guys, a very warm welcome to today's session. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well, staying home, staying safe and taking good care of yourselves and your loved ones. आज का सेशन बेटा मुझे लगता है कि ये एज ग्रुप के बियॉन्ड है. एक 3 साल के बच्चे से लेकर के एक 30 साल के इंसान तक, 30 साल के इंसान से लेकर के 60 साल के इंसान तक इस चीज से जूझ रहे हैं. वो क्या है? आलस, लेजीनेस. अब जितने लोग इसी बात पे बिल्कुल फील कर पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे मैम से, जल्दी से हिट कर दो लाइक बटन, क्योंकि आज मैं आपको एक फंडा बताने वाली हूँ बिल्कुल दिल से निकला हुआ. बिकॉज आई एम वेरी लेजी. ट्रस्ट मी गाइस, अगर मुझे चॉइस दी जाए खाना पीना छोड़ करके मैं सो सकती हूँ, आराम कर सकती हूँ. आई कैन जस्ट लाई डाउन एंटायर डे ऑन द काउच, ऑन द सेम काउच. मेरा बस चले मैं उठूँ ना, मुझे प्यास लगती है कई बार जब मैं छुट्टी वाले मोड में होती हूँ. आई डोंट गेट अप टू टेक वाटर, आई विल लाई देयर थर्स्टी. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस. तो आखिर ये आलसपना कहाँ से आया और जाएगा कैसे? बिकॉज आई एम श्योर दैट बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल एफर्ट, वो जो शुरू में चाहिए होता है, वो जो पुश होता है, वो आता ही नहीं है. और इस चक्कर में हमसे कितना कुछ मिस हो जाता है. टाइम टेबल पे टाइम टेबल, स्केड्यूल पे स्केड्यूल, बुक्स पे बुक्स, सब बनाते जा रहे हैं, सब खरीद कर लाते जा रहे हैं, वीडियोज लिस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन वो आलसपना हमें रोक दे रहा है. हमारी सक्सेस के बीच में वो एक ऑब्स्टिकल बनकर खड़ा हो गया. तो आखिर कैसे अपनी लेजीनेस को फॉर में बदल दे अपने लिए? अभी वो हमारे अगेंस्ट खड़ा है ना? तो चलो आज के सेशन में यही जानते हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू द 22nd रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक राइटर है मिस्टर शॉन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है इसके बारे में. इज डिस्क्राइब्ड अबाउट हाउ ही स्ट्रगल्ड पर्सनली बीइंग अ वेरी वेरी लेजी पर्सन एंड हाउ ही फिगर्ड आउट कि अपने लेजीनेस को ही लेकर के आगे कैसे बढ़ना है, कैसे मेक श्योर करना है कि डिस्पाइट ऑफ द लेजीनेस, ओके, डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस लेजीनेस, ही विल इन फैक्ट अचीव and use it for the greater good, for development, for his development, right? So let's get started and talk about the 22nd rule. It's no less than the golden rule. So isi baat pe bachcho jaldi se hit kar do like button, share kar do video ko apne doston ke saath, and definitely do not forget to subscribe to the channel. Channel subscribe nahi kiya तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसे सेशंस आएंगे जो आप मिस कर दोगे. और सिर्फ मैं नहीं, आपके बाकी सारे टीचर्स इस चैनल के इतना कुछ अमेजिंग कर रहे हैं. आई वुड वांट टू बी नोटिफाइड अबाउट इट, वुडंट यू? सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स नाउ मूव ऑन एंड टॉक अबाउट. वो कहते हैं ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है. डर का तो मुझे पता नहीं, आलस तो हम सबको लगता है यार. लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब ने नेचुरली इसको फील किया. इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक ये है, इट्स एक्चुअली साइकोलॉजिकल. मतलब इसका रीजन क्या है? हमारा ब्रेन जो है ना, द ब्रेन दैट वी हैव, ये बनाई आलसी है हर एक इंसान का, एवरी अदर पर्सन. इसीलिए आलसपना एक ऐसी चीज है, लेजनेस एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कॉमनली लोगों में मिलेगी. हर कोई अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होता है. अब वो थोड़ी एक्सट्रीमिटीज किसी की अलग होती है, कोई ज़्यादा होता है, कोई बहुत कम होता है, कोई बिल्कुल नहीं होता है. इट्स अबाउट हाउ पीपल हैव ट्रेन्ड देयर ब्रेन. द फैक्ट इज ब्रेन उस मशीन की तरह है जिसको पसंद है आराम करना, जिसको पसंद है वर्क नहीं करना. सो नेचुरली ब्रेन हमेशा हमारा ऐसी ही चीज़ों के लिए हमें कन्विंस करने की कोशिश करेगा जहाँ उसे कोई मेहनत ना करनी पड़े. इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज इट्स ओनली नेचुरल. लेकिन ये हमारे हित में, इट्स नॉट इनफ फेवर, हित में काम नहीं करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जैक्ट मोमेंट्स ऑफ लेजीनेस ही जो है वो हमारे को इतना ओवर इंडल्ज करा देते हैं, यानी कि अपने में इतना डुबा देते हैं, ओवर इन्वॉल्व करा देते हैं, दैट
हम अपनी बुरी आदतों में फंसने लग जाते हैं, विच मीन्स प्रॉबली नॉट वेकिंग अप ऑन टाइम, रशिंग बिहाइंड द स्केड्यूल, नॉट फॉलोइंग द स्केड्यूल, नॉट चूजिंग टू बी रियली प्रोडक्टिव बट जस्ट रादर स्लाउचिंग ऑन द काउच एंड वॉचिंग समथिंग. वी एंड अप डूइंग ऑल ऑफ दिस. आई डू, मुझे पता है, बट कई बार मैं कॉन्शियस चॉइस मेक करती हूँ कि टू लेजी लेज अराउंड. फॉर एग्जाम्पल संडेज मेरे ऐसे जाते हैं, बट अदरवाइज ऑन अ वीक डे, ऑन अ वर्क डे, हाउ डज इट लुक लाइक फी. अब उसमें क्या होता है कि कई बार हम अपने आप को पुश करके किसी तरीके से कर लेते हैं काम, कई बार नहीं कर पाते और उस चक्कर में लॉस में भी चले जाते हैं, या फिर एकदम एंड मोमेंट तक प्रोक्रेस्टिनेट करके एंड में किसी तरह से काम करके दे दिया, लेकिन मन में रह जाता है कि यार पूरी प्रोडक्टिविटी से नहीं किया, एफिशिएंसी परफेक्ट नहीं थी, या काम की क्वालिटी बहुत बेटर हो सकती थी, बट दिस इज ऑल आई वुड हैव पुल्ड आउट. और इसमें हम बहुत बार एक्सक्यूज भी दे देते हैं अपने आप को कि वी वर्क बेटर अंडर स्ट्रेस. आई यूज टू डू दिस. प्रोजेक्ट वगैरह मिलते थे, बिल्कुल समर वेकेशन पूरा पार हो गया, आखिरी के 2 4 दिनों में दीदी के ऊपर चढ़ करके मैं बनवाती थी, एंड शी यूज टू हेल्प मी अ लॉट. बट आई थिंक वॉट रियली मेड माई प्रोजेक्ट्स दिस अमेजिंग, दैट टीचर्स यूज टू टेक इट टू शो अदर पीपल, वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माई सिस्टर, एंड डेफिनेटली नॉट माई प्रोक्रेस्टिनेशन मेकिंग मी मोर प्रोडक्टिव अंडर द स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस. सो दैट्स वॉट वी गोना टॉक अबाउट. सी, जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई नया स्केड्यूल बनाते हो, आप बहुत एक्साइटेड रहते हो, आपने उसमें मेहनत की, आपने उसमें दिमाग लगाया, सो यू आर वेरी वेरी मोटिवेटेड. और फॉर एग्जाम्पल यू पेड द फीस टू ज्वाइन लॉन टेनिस का सेशन, स्विमिंग का सेशन, कुछ भी आपको मन था करने का, आपने उसमें पैसे वैसे लगाए, खरीदा सेशन या ज्वाइन की कोई क्लासेस, एंड देन यू आर सुपर मोटिवेटेड. तो इट वुडेंट मैटर हाउ लेजी आर यू, बट इफ यू हैव योर इंटरेस्ट इन्वेस्टेड इन समथिंग, आप कितनी भी डिफिकल्टी हो आप उसको कर लेते हो, कितने भी एफर्ट्स लग रहे हो आप उसको कर लेते हो. लेकिन ये मोटिवेशन हर एक चीज़ में नहीं आता है. ये हमारे पैशन से रिलेटेड चीज़ों में, इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ों में, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ों में, फन से रिलेटेड चीज़ों में नेचुरली आता है. पर जहाँ पैशन, जहाँ फन, जहाँ एंटरटेनमेंट नहीं है, क्या उन चीज़ों को हमें करना छोड़ देना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्टडीज. स्टडीज में कुछ लोगों को बहुत मजा आता है, पीपल देयर आर पीपल हु रियली जेन्युइनली एंजॉय स्टडिंग, एंड देयर आर पीपल हु हेट इट. मैं आई यूज टू आई डिड नॉट यूज टू लाइक स्टडिंग बैक इन स्कूल. मैं इनफैक्ट कॉलेज में भी मेरे जो सेमेस्टर में बुक्स थे वो मैंने बस किसी तरह पढ़ पढ़ा करके एग्जाम दे दिया, और उसके बाद मैं अपने नॉवल वगैरह, मतलब देयर वाज दिस एंटायर सेमेस्टर बेस्ड ऑन नॉवल्स एंड प्रोजेस एंड शॉर्ट स्टोरीज. आई यूज टू रीड दैट वे इन डिटेल आफ्टर माई एग्जाम्स वर डन, बिकॉज मुझे वो पढ़ाई एग्जाम के लिए करने में मजा नहीं आता था, तो वो मोटिवेशन नहीं थी. पर क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, एग्जाम तो नहीं रुकेगा, आई स्टिल हैव टू अपीयर फॉर एग्जाम्स, आई स्टिल हैव टू गो अहेड विद माई लाइफ. सिमिलरली लेट्स से किसी को ड्राइविंग सीखने का मन नहीं है, बट इट इज इट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव. तो क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, मुझे नहीं करना है, या मुझसे नहीं हो पा रहा है, बहुत आलस आ रहा है, आई बीइंग वेरी वेरी लेजी अराउंड इट, दैट वुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड हेंस आई ब्रिंग आउट टू यू कि जब हम स्ट्रेस्ड हैं, टायर्ड हैं, बहुत लंबा दिन रहा है, या वो इंथुजियाज्म नहीं है, काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें क्या करना है विच विल कीप अस ऑन ट्रैक, विच विल हेल्प रिजॉल्व आर प्रॉब्लम. ठीक है, तो दिस इज वाई वी यूजली वी हैव अंडरस्टूड वॉट एवर इज द मोस्ट कन्वीनियंट, वो ही हम करते हैं जब हमें लेजर राउंड करना होता है. जैसे कि यू नो काउच पे पड़े रहना, बेड से उठना नहीं, प्यास लगी है पानी नहीं पीना, या फिर अब दोस्त कह रहे हैं कि चलो खेलने चलते हैं, बट या आई डोंट वांट टू गेट अप, गेट रेडी, टेक अ शावर, मे बी गेट रेडी एंड देन गो, तो खेलना ही छोड़ देते. खेलने का मन है बट वो प्रोसेस बहुत लंबा है, तो छोड़ो यहाँ मत आओ, मतलब वाई वाई टू डू दैट. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट बिकम्स अ डिफॉल्ट बिहेवियर. अब देखो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, डिफॉल्ट से हमारा मतलब है बट नेचुरल. ठीक है, जो नेचुरल बिहेवियर होता है आपका, जो आप धीरे धीरे नेचुरल सेल्फ जिसमें आप डेवलप करने लग जाते हो. फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हो, फोन, टेलीविजन,
टैब वट एवर, इट हैज़ अ डिफॉल्ट सेटिंग, वो कंपनी की सेटिंग होती है, वैसे वो बनकर आती है, उसको कस्टमाइज करते हो अपने हिसाब से, आपको कैसा वॉलपेपर चाहिए, क्या सेटिंग चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, कौन से टैब्स कहाँ चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए या डेट ऑफ डाउनलोड के हिसाब से होने चाहिए, यू फिगर आउट हाउ यू वॉन्ट टू डू इट, बट दैट्स वॉट यू मेक द डिवाइस इन टू. एक तरीके से डिवाइस पहले अपने हिसाब से बनकर आता है, वो उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट है, वही डिफॉल्ट फॉर्मेट हमारा भी है, हम भी वैसे ही बनकर आए हैं. हम बनकर आए हैं एक आलसी दिमाग लेकर, एक आलसी बॉडी लेकर, जिसको बड़ा मजा आता है आराम करने में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई काम करने में, एंड दैट्स वॉट इज आर डिफॉल्ट सेटिंग. अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने बॉडी और दिमाग के अंदर कैसे ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं. क्या हम अपने आप को एक्टिव बनाने वाला ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को फिट बनाने वाला ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को लेस लेजी बनाने वाला ऐप डाउनलोड कर रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ हैबिट्स, आपकी बॉडी एक तरह से बनकर आई है, अब आपके हैबिट्स और आपका अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ कैसा है, वो अब आपकी डिफॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करके एक नया डिफॉल्ट क्रिएट करेगा जो आपकी पर्सनैलिटी होगी. सो देर आर फ्यू पीपल हु आर रिकग्नाइज इन द फैमिली, जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सबसे निकम्मा, ये सबसे निकम्मी हमारी बच्ची है, हमारा बच्चा है या हमारा रिलेटिव है ना, कि आउट ऑफ ऑल द कजन दिस कजन इज द लेजीएस्ट, इससे हम कभी कुछ करा ही नहीं सकते. वो उनकी डिफॉल्ट सेटिंग हो गई है क्योंकि उन्होंने अपने आप को वैसा बनाया है. दैट्स द काइंड ऑफ हैबिट्स दे हैव इनकल्केटेड, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ वी हैव इज वेल, लाइक आई एम वन ऑफ द लेजीएस्ट. सो वी हैव टू फिगर आउट हाउ टू चेंज दैट टैग, और वो डिफॉल्ट सेटिंग को हम कैसे चेंज करेंगे. और यहाँ पे आता है हमारा 22nd रूल, 20 सेकेंड का रूल. अब ये डिफॉल्ट बिहेवियर जो है ना, ये दोनों तरह के हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत, मतलब उनको तुमने बोला और वो रेडी, मतलब आई हैव फ्रेंड्स जिनको प्लान बन ही रहा है, वो तैयार होंगे जाने के लिए. एंड देन आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वे प्लान बन चुका है, वो टाइम जा चुका है, रिजर्वेशन हो चुकी है कहीं की, हम निकले ही नहीं हैं घर से, मूवीज़ मिस हो जा रही हैं 5-10 मिनट्स, या फिर प्लान कैंसिल हो जा रहा है, अल्टीमेटली बाहर जाने की जगह घर पे ही चिल कर ले रहे हैं, है ना. तो क्या हो रहा है, अलग अलग बिहेवियर दिख रहा है हमको. कुछ लोग हैं जिनको घर से बाहर स्टेप करना ही करना है, वो एफर्ट मारेंगे. तो ये इस तरह का बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाली बैठे हो तो आप चाहोगे कि आप किताब पढ़ो, इट्स अ पॉजिटिव बिहेवियर. नेगेटिव बिहेवियर कुड भी कि अच्छा हम खाली हैं, थोड़ा सा हमारे पास वक्त है, तो लेट्स स्क्रोल द फोन, सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं और अब उसी में फंसे रह गए. तो ये अलग अलग तरह के बिहेवियर्स होते हैं और यही हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर होता है. आप हर तरह के इंसान को घर में पाते हो, जो काम भी कर लेता है, जो नहीं भी कर लेता है, जो मैनेज भी कर लेता है, जो नहीं भी करता है. नेगेटिव पॉजिटिव बोथ बीइंग देयर इनेट पर्सनालिटी, बीइंग देयर नेचुरल पर्सनालिटी, जिसको मैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, अरे भाई ये ऐसे ही है, अरे भाई मैं ऐसे ही हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं करना है डिफॉल्ट की तरह. आपकी डिफॉल्ट सेल्फ को बनाना आपके हाथ में है, हमको इंस्टेड एक स्टेप बैक लेके री एग्जामिन करना चाहिए हमारे हैबिट्स को. इंस्टेड ऑफ उनको बढ़ाते जाना, वी नीड टू कीप अ चेक कि क्या हम अब ठीक कर रहे हैं, क्या ये ठीक है, शुड आई एक्चुअली ट्राई एंड चेंज दिस. एंड दैट्स वेयर द 22nd रूल विल हेल्प अस. अब ये 20 सेकेंड में आलसपना कैसे खत्म हो जाएगा और हमारे एडवांटेज में कैसे काम आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है. अब देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ है किसी भी हैबिट को बिल्ड करने को 21 डेज लगते हैं, ये अलग चीज़ है. ये है कि आप कितने दिन तक कहीं पे डेडिकेटेड रहते हो, ये गोल्डन रूल होता है, और फिर उसको 90 डेज तक कैरी फॉरवर्ड करना होता है. मतलब 21 डेज बिना ब्रेक के किसी चीज़ को करो, वो अपने आप हो जाएगा, और उसको फिर अगर हमने फर्दर 3 महीने मेंटेन कर लिया तो वो हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाता है वो आदत, कि वो कभी जाता नहीं है. दैट्स वन वे ऑफ बिल्डिंग हैबिट्स, सो जस्ट लेटिंग यू नो. अनदर थिंग इज भाई, शुरू करना उस हैबिट को बिल्ड करना, है ना. अब जैसे कि एक बार शुरू कर दिया फिर 21 दिन तक उसको चलाए रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर day 1 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है. day 1 शुरू कैसे करें, मोटिवेशन स्पेशली जहाँ नहीं है, मुझे नहीं सीखनी है स्विमिंग, मुझे पानी से डर है, मुझे मोटिवेशन नहीं है, जो भी है, तो मैं 21 दिन तक जाऊँ कैसे. पहला दिन तो आए, वो पहला दिन नहीं आता है ना, हम कहते रहते हैं कल से करेंगे कल से करेंगे, वो कल नहीं आता है, वो कल कैसे लाए. तो अगर आपको नई हैबिट क्रिएट करना है तो उसको
इतना आसान बनाओ कि वो इजीली क्रिएट हो सके। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी चीज को करने के लिए लगती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये थोड़ा सा होने वाला है टेक्निकल, तो ये बात ध्यान से सुनना। आई विल गिव यू सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स इज वेल टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड रिलेटेबल, बट दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। देखो बेटा, हमारी एक बैटरी है, ठीक है? ये हमारा एक सेल है जो हमको फंक्शन कराता है। अब ये सेल भरा हुआ है वैसे तो, बट आपको हमेशा फील नहीं होगा वो आलस, स्पेशली जहाँ आता है। किसी काम को करने के लिए आप यहाँ पे एनर्जी डिराइव करते हो, ठीक है? यहाँ से तो आपने बोला कि चलो यार इतनी एनर्जी लगाएंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा। जो काम हमको पसंद होता है उसमें हमारी एनर्जी ऐसे फुल होती है, जो नहीं होता है उसमें लेवल यहाँ तक होगा। जो ठीक ठाक है कि कर भी लेंगे नहीं भी कर लेंगे उसका लेवल यहाँ तक होगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हमको ज्यादा लगानी पड़ती है किसी चीज को करने के लिए, उतना ज्यादा आलस हमको आता है। इट्स लाइक किसी पुरानी चीज को जब आप जब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको ज्यादा मेहनत लगेगी और वो मेहनत के चक्कर में मशीन खराब भी हो जाती है, नई चीज फट से स्टार्ट हो जाती है। हमारे सिस्टम में थोड़ा ये डिफरेंस है। हमको किसी भी नई चीज को शुरू करने के लिए या किसी ऐसी चीज को शुरू करने के लिए जो बहुत ज्यादा मन नहीं है हमारा, मोटिवेशन नहीं है, हमको टेक्स अ लॉट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। बॉडी काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, उसका तो मन नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी उतना दे नहीं पाता है कि अपने आपको वो पुश लेकर के नई चीज शुरू करो और आप छोड़ देते हो उसको। यू इग्नोर, इग्नोरेंस बिकम्स ब्लिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू गो टू द जिम, आई हैव टू स्टार्ट जिमिंग, ओके, आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट, आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट, ये मैंने एक साल पहले से सोचा हुआ है। अब मैं उसमें 50 बहाने ढूंढूंगी कि जिम घर के पास में नहीं है, या पास में अच्छा जिम नहीं है, टाइमिंग मैच नहीं होती है, मेरे वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, आई कैन नॉट डू दिस, दिस वुड बी डिफिकल्ट, ये कैसे मैनेज होगा, आई कीप ट्रैवलिंग बिटवीन माई इन लॉज एंड माई ओन हाउस, सो वेयर डू आई गो टू द जिम, 15 दिन वहाँ, 15 दिन यहाँ। भाई साहब, मैंने इतने बहाने बना लिए जिसका कोई हिसाब नहीं है, बिकॉज माई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस हैबिट टू बी इम्प्लीमेंटेड हैज नॉट बीन गैदर्ड येट, ठीक है? अब ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए थी जिम जाने के लिए। अब मुझे आपने बोला नेटफ्लिक्स का एक सीरीज देखो या एक डॉक्यूमेंट्री देखो जिससे कुछ लर्निंग होगी। मेरे को क्या करना है, टीवी पे लगाना है, देखना चालू कर देना है। जिम के लिए मुझे रोज उठना होगा टाइम पे, एक शेड्यूल मेंटेन करना होगा, शूज पहनने होंगे, बैग पैक करना होगा, जिम जाना होगा, वहां चेंज करना होगा, जिमिंग करनी होगी, वापस आना होगा, शावर लेना होगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है? या जिम पहुंचने तक बहुत लंबा रास्ता है, बहुत बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो मेरे को लगता है जाने दो। वही मेरे को अचानक कोई नीचे आकर कहता है कि चलो ठीक है जिम नहीं कर रहे हो, लेट्स जस्ट प्ले अ राउंड ऑफ बैडमिंटन। वो रैकेट लेके मेरी फ्रेंड खड़ी है और आपका शटल लेके एंड एवरीथिंग इज रेडी, आई जस्ट हैव टू गो डाउन स्टेयर्स, आई विल गो एंड डू दैट इजीली कंपेयर टू गोइंग टू जिम। अब इन सारी चीजों में हमको क्या समझ आया, एनर्जी कितनी लगाई मैंने, मुझे नीचे जाने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, मैं चली गई। मुझे जिम जाने के लिए मेहनत करनी होगी कि सब कुछ इकट्ठा करना होगा, उतनी तैयारी करनी होगी, देन आई विल गो टू द जिम, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, कितना कौन करे, लेट इट बी। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट हैव सीन दिस, इट हैपेंस विद अस, ओके, मी एंड माई हस्बैंड स्लीप वेरी लेट, सो वी हैव दिस हैबिट ऑफ स्नैकिंग एट नाइट। रात को हमें भूख लग जाती है, हमें खाना चाहिए, बिकॉज वी हैव डिनर समवेयर अराउंड लाइक 10:30 एंड देन वी स्लीप अराउंड 2-3 AM, so somewhere around 1:30, 2-ish we'll feel like snacking। अब अच्छा खाना जो है वो सबसे नीचे फ्रिज में रहता है, हम लोग ऊपर रहते हैं, तो चाहे कितनी अच्छी चीज क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल समथिंग नॉन वेज जो हमें बहुत पसंद है, बट वो डाउन स्टेयर्स है और ऊपर फ्रूट्स वगैरह रखे हैं या कुछ हेल्दी स्नैक रखा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोस्टेड चना, विल एंड अप ईटिंग दैट बट विल नॉट गो डाउन स्टेयर्स, ठीक है? या कई बार हम इसकी वजह से स्नैकिंग छोड़ देते हैं। अब हमने क्या किया है, वी वर ट्राइंग टू ईट नॉट मिडल इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो हम सेम जगह पे सेम फ्लोर पे खाना रखते नहीं है, खाना नीचे, तो इससे हमारी हैबिट रुक जा रही है क्योंकि उसमें जो एफर्ट्स एक्टिवेशन एनर्जी वो ज़्यादा है, ठीक है? इससे समझना क्या है बेटा, किसी काम को अगर आप नया शुरू कर रहे हो तो उसकी शुरुआत टू गेट डन शुड बी वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट स्टडिंग, अगर आपने अपनी किताब को बहुत अच्छे से सजा के शेल्फ में रखा हुआ है जहाँ से निकालने में बहुत मेहनत है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वो आपकी ज़िंदगी में शुरू बैठने के पहले आपको 2-3 मिनट की मेहनत लग रही है,
आप देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आप उसको डीले कर दोगे, आप उसको पुश कर दोगे। अब आप कहोगे मैम ये 2-3 मिनट बड़ा थोड़ी है, लेकिन जब आलस आलस पे बात आती है ये बड़ा हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपने एक जिस चीज को आपको पढ़ना है वो एकदम एक्सेसिबल रखा है कि अभी मन किया है ना, अभी आई जस्ट पिक्ड इट अप एंड आई विल स्टार्ट डूइंग इट, आप कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शॉन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट हैज रिटन दिस बुक अबाउट द 22nd, ही वांटेड टू प्ले गिटार एवरी डे इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग द टीवी। तो उनका गिटार पहले गिटार के कवर में कबर्ड के अंदर रखा होता था, तो कभी सोचा तो इतनी मेहनत है ना, जाओ उठो कबर्ड खोलो निकालो उसमें से गिटार निकालो, बाय दैट टाइम उतना सोच कर दिमाग थक जाता था। सो यूज टू स्टॉप एंड यूज टू एंड अप वॉचिंग सिटिंग ऑन द काउच द टीवी। ही स्विच द 22nd रूल। यू नो व्हाट ही डिड, अब टीवी को चलाना उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। देखो सिर्फ रिमोट उठाकर चलाने में मेहनत नहीं है, हम उसको फट से कर लेते हैं। मन नहीं भी होगा टीवी देखने का, यू विल एंड अप वॉचिंग टीवी। मे बी यू विल पिक अप समथिंग खुद को बहला कर कि कुछ अच्छा देखते हैं जिससे कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए। सो वट ही स्टार्टेड डूइंग वॉज अपने टीवी के बैटरी सेल्स को निकाल करके ही वुड पुट इट इन साइड द रूम इन द कवर्ड इन अ बॉक्स। अब वो टीवी सीधे एक रिमोट से ऑन नहीं होगी, टीवी चलाना है तो यू हैव टू गेट अप पुट द बैटरी, जाके पहले रूम में कबर्ड से निकालो वो बॉक्स को, उससे सेल निकालो, उसको रिमोट में डालो, फिर आओ फिर चलाओ। तो ये स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ गया, ये 20 सेकेंड में टीवी चालू नहीं हो सकती है। अब गिटार का क्या किया, तो गिटार को एक स्टैंड लगाकर काउच के बगल में रख दिया। अब ये टीवी के लिए रिमोट उठाया नहीं चला, तो उन्होंने कहा छोड़ो यार बैटरी कौन लाने जाए रिमोट का, गिटार उठा करके बजा लेते हैं। एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड प्लेइंग गिटार ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड फिर मोटिवेशन भी आ गया, तो अगर 2-3 मिनट लग भी जाते एक्स्ट्रा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि जिन हैबिट्स को आप रखना चाहते हो उनको शुरू करने का जो टाइम होता है, इफ यू बिटवीन यू थिंक एंड यू इनैक्ट, वो शॉर्ट हो जाना चाहिए। और जिन हैबिट्स को आप छोड़ना चाहते हो उनको दूर करते जाओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो मैं स्नैक्स को सेम फ्लोर पे नहीं रखती हूँ। या अच्छा खाना और बुरा खाना की बात करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट स्टॉप हैविंग जंक फूड, तो यार मैं जंक फूड घर में रखू ही नहीं कि जब चाहिए भाई जाओ बाहर से लेकर आओ, टू मच ऑफ एफर्ट्स। या एकदम 2 फ्लोर नीचे रख दो कि भाई पूरी इतनी सीढ़ियाँ उतरो फिर लेकर आओ। और सामने अब मुझे अच्छी हैबिट क्या चाहिए कि आई शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड चना एंड दिस एंड दैट, तो वो मेरे लिए बहुत ईजिली अराउंड होना चाहिए कि मुझे भूख लगे तो कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ लाना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ जो मेरे सामने आई स्टार्ट हैविंग दैट। दैट इज योर 22nd रूल। अब ये 22nd रूल 22nd रूल नहीं है नेसेसरी, कई बार ये 40 सेकेंड है, कई बार ये 10 सेकेंड है, ऊपर नीचे होता रहता है। बट द फैक्ट इज जिन आदतों को आप रखना चाहते हो जिंदगी में, उस काम को शुरू करने में आपको नंबर ऑफ स्टेप्स एंड अमाउंट ऑफ एफर्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं मान लो बाहर निकल रही हूँ, मैं रोज निकलती हूँ ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आते वक्त इफ आई डोंट हैव टू एंड आई वेयर माई शूज, और मुझे जिम जाना है, मैं ऑफिस से ही जिम गई, सिर्फ टी शर्ट चेंज किया और काम कर लिया, वर्कआउट कर लिया, अब कोई लोड नहीं है। अब वो मैं घर आऊँ फिर घर से प्लान करूँ तो वो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एफर्ट है जिस जो किसी एक्शन को शुरू करने के लिए हमको शुरू में लगानी पड़ती है, इसको कम कर दिया ना, ये एनर्जी कम कर दी, एफर्ट कम कर दिया किसी काम को शुरू करने के लिए, तो हैबिट बिल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। तो अपने आलसपने को आप अपने सक्सेस में कैसे चेंज कर रहे हो, बिकॉज यू आर लेजी, आप अपने बैड हैबिट्स को छोड़ते जाओगे, क्योंकि उसको भी मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अपने आलस पड़ने की वजह से आप अच्छी आदतों को आराम से इनकलकेट कर लोगे, उसमें इंडल्ज कर लोगे, क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी आपने बहुत कम कर दिया। तो ये क्यों काम करेगा, क्योंकि बेटा हम जन्म से बिल्कुल होते हैं आलसी, हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ ही है इस तरीके से कि भाई जितनी कम एनर्जी हो सके उतनी कम एनर्जी करो लगाओ। आप देखो अगर आपके सामने लैपटॉप है कंप्यूटर है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 4 बटन डालने, एकदम इजी टू इजी मैथ सम कैलकुलेशन आप उस पर ही करोगे, क्योंकि लगाना ही नहीं है दिमाग। फोन दूर रहे तो आप 2 मिनट लगाकर हाथ पे कर लोगे, फोन लाने नहीं उठोगे। यानी कि दिमाग काम कर सकता है बट वी चूज नॉट टू डू इट, क्योंकि जहां अमाउंट ऑफ एफर्ट सेव कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कम रख सकते हैं रखते हैं, तो वही करो। तो इस नेचुरल लेजीनेस को ही यूज करो 20 सेकेंड में अपने बुरी आदतों को दूर करने के लिए और अच्छी आदतों को पास करने के लिए। शुरू में सबसे मुश्किल होती है, इसी वक्त ये एनर्जी सबसे ज्यादा हाई करनी होती है और इसीलिए हम यहाँ फेल हो जाते हैं।
वो एनर्जी का कंजम्पशन ही अगर कम कर दिया, उस पूरे प्रॉब्लम को ही, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ही रिमूव कर दिया, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आराम से जो अच्छी आदतें आपको चलानी है, बढ़ानी है, वो आप आराम से कर सकते हो 20 सेकेंड में, ठीक है? तो अगर करनी है बुरी आदतों का खात्मा, इफ यू वॉन्ट स्टॉप योर बैड हैबिट्स, सिंपल सी बात है, उसको करने के पीछे का एफर्ट बढ़ा दो कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगे, वो अपने आप छूट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल, माई दिस दिस फ्रेंड ऑफ माइंड हु यूज टू ड्रिंक ओनली कोको कोला, ठीक है, पानी नहीं पीना है, कुछ नहीं करना है, शी स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन हर स्टमक। तो उसने घर पे कोको कोला रखना बंद कर दिया कि बहुत क्रेविंग हो रही है, बिकॉज इट हैज कैफीन, इट्स काइंड ऑफ एडिक्टिव। आई विल वॉक आउट एंड आउट ऑफ माई एंटायर सोसाइटी, गो बाई वन, ड्रिंक इट, फिनिश इट एंड नॉट गेट अनदर, रखना नहीं है घर में। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द अमाउंट ऑफ एफर्ट शी हैड टू पुट टू गो गेट द कोक, उसने बंद कर दिया ये कि चलो यार पानी ही पी लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, विच हेल्प रिमूविंग दैट बैड हैबिट। अगर वैसे ही आपको किसी अच्छी चीज़ को करना है तो आप उसको घर पे रखना शुरू कर दो, वो एक्सेसिबल रहेगा, तो आप उसको और ज़्यादा मतलब जूस वगैरह ड्रिंक करोगे, फ्रूट्स खाओगे। सो दैट इज हाउ यू नॉट स्टॉप अ बैड हैबिट एंड यू नेल इट। नाउ गाइज, वी आर ह्योर एज वेल कि आपको स्केड्यूल से हो रही है प्रॉब्लम, तो आपके उन हैबिट्स में हेल्प करने के लिए एंड प्रो कोड जरूर लगा लेना जिस भी चीज़ के लिए करो आप, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लुक एट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारे प्रो सेशन के कोड विल गिव यू द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो आई होप दिस हेल्प यू एंड यू लाइक दिस। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बींग हियर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। डू टेल मी कितने लोग इससे अग्री करते हैं और कितने लोग ये करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता कर जाना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल द नेक्स्ट टाइम, अस्ता ला विस्ता, बाय बाय, चाओ, टेक केयर, अडियोस, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट इवनिंग, गुड नाइट, बाय यू गाइस।